दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर पाए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। सबसे पहले अब चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, डीटीएच फैन क्लब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो दिया था डीटीएच पोर्टेबिलिटी के बारे में, जो कि बात ऐसी है कि उनमें अभी न्यूज़ निकल कर आई थी पिछले महीने, तो उसमें बताया था कि सिर्फ सिम चेंज करने की बात है, बाकी आपको सेट टॉप बॉक्स या डिश बदलने की बात नहीं रहेगी। तो आपको जो सिम होता है आपका ऑपरेटर का, मान लो अगर डिश टीवी का है तो उसका सिर्फ सिम आपको चेंज करना पड़ेगा, और जो डिश है अगर आप वीडियो कॉल में जाते हो तो आपको 88° पे डिश खाली वो सेट करनी पड़ेगी, और सिम जो है वो आपको डिश टीवी से वीडियो कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पोर्ट हो जाएगा। तो ये सुविधा काफ़ी अच्छी है। पहले बॉक्स बदलना पड़ता था, अब वो बॉक्स अगर लेने जाए तो बॉक्स की कीमत ही हो जाती थी कुछ 1200-1500 के आसपास, तो ये लोगों को बहुत ही बढ़िया झटका लगता था 1500 के आसपास का। तो अगर सरकार ने जो ये ट्राई ने जो ये बातें की है कि सक्सेसफुल हो चुकी है बातें कुछ हद तक, और सिम चेंज करने की बातें हो रही है, वो ट्रायल बेस पे कुछ साउथ एरियाज़ में चल भी रहा था और अब पूरे इंडिया में भी ये ट्रायल चल रहा है। जैसे ही ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो डीटीएच पोर्टेबिलिटी की जो न्यूज है वो हमको अभी तो फिलहाल न्यूज ही है, तो आगे चल के लॉन्च भी हो सकता है, पोर्ट हो सकता है। तो जो बातें हैं पोर्टेबिलिटी के लिए लेकर, तो काफ़ी हद तक अच्छी बात है। जो अगर सुविधा जो जियो ने बहुत ही अच्छी सुविधा दी थी, तो काफ़ी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह वगैरह इन सब लोगों के लिए परेशानियाँ बड़ी थी, तो कंपटीशन बड़ा था, सस्ते प्लान हुए थे तो सभी ऑपरेटर ने सस्ते प्लान किए थे। वैसे ही डीटीएच में हो रहा है, होने वाला है, तो होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर कोई ऑपरेटर सस्ता प्लान देता है तो दूसरा ऑपरेटर उसकी दुकान बंद हो सकती है, उसके लिए वो हो उसका भी प्लान कम करेगा, उससे कम करेगा, तो ये कंपटीशन चलता रहेगा और उसका सीधा फायदा ग्राहकों को, कस्टमर को होगा। तो ये कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो अभी यूज कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। अगर पोर्ट करना की सुविधा अब तक तो कुछ डिटेल तो नहीं है, लेकिन ट्रायल बेसिस पे अभी भी चल रहा है, तो ठीक है, आगे चल के क्या होगा, वो बात सच होगी या वो सक्सेसफुल होगी, वो भी हमें आगे न्यूज मिलेगी, तो वो वैसे हम डीटीएच फैन क्लब पे बता देंगे। तो थैंक यू अपने वीडियो के साथ बनने के लिए, अपने चैनल के साथ बनने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो, क्या ये पोर्टेबिलिटी की बात आपको किस हद तक कुछ हद तक अच्छी लगती है या सच लगती है या झूठ लगती है या आगे चल के हो सकती है लॉन्च, तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगे आज शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।